हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छी होगी। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको अपडेट दूंगा अयोध्या से लखनऊ तक जो रेलवे ट्रैक का वाइडनिंग काम चल रहा है उसका अपडेट दूंगा। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहना, ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं इस समय जो है ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और लखनऊ की तरफ चल रहा हूँ। तो ये व्यू आपको देखने को मिल रहा है सोहावल का। सोहावल से पहले आपको ये कुछ जो रेलवे ट्रैक का वाइडनिंग का काम चल रहा है आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से यहाँ पर मशीनों को लगाया गया है और इसको चौड़ी करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि ये सिंगल ट्रैक था, अब इसको थ्री ट्रैक बनाया जा रहा है। क्योंकि ये सीधा राम मंदिर को जाता है, अयोध्या जंक्शन को, इसलिए इसको इतना चौड़ा किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको काम देखने को मिलेगा गाइस, और ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ब्लॉग के इन तक बने रहना और मैं लखनऊ में भी आपको वर्तमान स्थिति दिखाऊंगा रेलवे ट्रैक की। सो बने रहना इस ब्लॉग में, और बार बार मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे गाइस किस तरीके से यहाँ पर गिट्टियों को स्टोर करके रखा गया है। क्योंकि यही जो गिट्टियाँ होती हैं, कंक्रीट होते हैं, ये जो है क्या होते हैं कि ये जो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर रेलवे ट्रैक के नीचे पड़ी हुई हैं, कुछ ऐसी ही गिट्टियाँ यहाँ पर पड़ती हैं जिससे मजबूती आता है रेलवे ट्रैक पर। और इस समय मैं पहुँच चुका हूँ गाइस यहाँ पर रायपुर। रायपुर गांव है ये, जहाँ से ये रेलवे क्रॉसिंग होते हुए गया है। तो यहाँ पर अब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है ट्रेन, और मैं ये स्पेशल ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा अपडेट आपको किसी ने नहीं दिया होगा, बट आज मैं आपको ऐसा अपडेट दे रहा हूँ। तो ये रेलवे क्रॉसिंग रायपुर की देखने को मिलती है, और इस साइड रायपुर गांव पड़ता है, और ये सलारपुर आप देख रहे हो, सलारपुर स्टेशन नाम से ये विख्यात है, बट ये रायपुर गाँव आगे पड़ता है, इसलिए मैं आपको रायपुर बता रहा हूँ। और गाइस, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, दोनों साइड आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी। ये इसका एरिया है, लगभग 40 से 45 मीटर ये चौड़ा होगा, और थ्री ट्रैक बनेंगे लखनऊ तक गाइस। और जो है बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर होने वाली है। ऊपर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेनें होती हैं वो रेगुलर अब चलने लगी है, क्योंकि यहाँ पर जो है विस्तारीकरण हुआ है। आप देख पा रहे हो पीछे ये लाइटिंग का आप देख पा रहे हो, लेकिन आज से कुछ साल पहले जो है यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन होते हैं वो बहुत कम चलते थे, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था नहीं था। अब आपको देखने को मिलेगा कि इसके विस्तारीकरण का हो गया, अब रेगुलर यहाँ पर चलते हैं। तो आप देख पा रहे हो जगह जगह पर टंकियाँ और जगह जगह पर स्टेशन कुछ बन रहे हैं। आप देख पा रहे होगे स्टेशन के कुछ विभाग आपको देखने को मिलेंगे गाइस। और मैं आगे चलता हूँ, आगे आपको दिखाता हूँ ये जो सलारपुर का छोटा सा मिनी स्टेशन है। हर गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं रुकती हैं, बहुत ही कम गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो स्टेशन पड़ता है वो अयोध्या काइंड तो पड़ ही जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर सीढ़ियों का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, आप देख पा रहे हो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा गाइस। मैं सलारपुर से बहुत आगे आ चुका हूँ प्रेजेंट टाइम पर मैं सलारपुर से बहुत आगे आ चुका हूँ, और लगभग मैं जो है सोहावल अब पहुँचाऊँगा गाइस। पीछे जो मैंने बोला था सोहावल, वो सोहावल नहीं था, सोहावल अब पहुँचाऊँ। इसके बाद रुदौली पहुँचूँगा, बाराबंकी पहुँचूँगा, जस्ट उसके बाद मैं लखनऊ पहुँच जाऊँगा, और लखनऊ का भी आपको अपडेट दूंगा गाइस। तो बने रहो इस ब्लॉग में, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं करूंगा बार बार कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ट्रेन पर फर्स्ट टाइम मैं गाइस इस तरीके से अपने ब्लॉग को शूट कर रहा हूं, खासकर आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट टाइप का ब्लॉग है। मैंने अब तक रोड की वाइडनिंग का बहुत ही ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आपको लखनऊ तक आपको शेयर कराया जाए, और जितने भी वाइडनिंग के जो वर्क चल रहे प्लेटफॉर्म को उसका भी अपडेट आपको दिया जाए। कुछ ऐसा मेरे मन में आया और मैं निकल पड़ा ब्लॉग को शूट करने के लिए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ब्लॉग को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखो, अपना नाम लिखो, अच्छा लगता है। आप कहाँ से ब्लॉग देख रहे हो ये भी देखो, तो किस तरीके से यहाँ पर स्टोर करके रखे हैं जो रेलवे के जो सामान होते हैं आपको जगह जगह पर स्टोर करके रखे हुए हैं, आपको देखने को मिलेगा गाइस।
और ये देखिए मैं प्रेजेंट टाइम पर लखनऊ जो है पहुंचने वाला हूँ। उससे पहले आपको गाइज देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का भी, बड़े बड़े बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। और लखनऊ जैसे बड़े शहर में आपको और क्या देखने को मिलेगा, और ये बड़ी सी झील भी देखने को मिलती है गाइज। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको, मतलब आर्टिफिशियल झील है, नेचुरल नहीं है, इसको बनाया गया है। और इसके बगल ये बड़ी सी बिल्डिंग मुझे देखने को मिलती है गाइस। आप भी देख सकते हैं कितने फ्लोर का है, इसको काउंट करके कमेंट करके ज़रूर बताओ। और जो भी कमेंट करके बताएगा मैं उसे गिववे ज़रूर दूंगा। और अपना फ़ोन पे नंबर या कुछ अपना लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर सकता है, मैं उसको गिववे ज़रूर दूंगा, आई प्रॉमिस। इसको काउंट करके ज़रूर बताएं कि कितने फ्लोर का ये बिल्डिंग है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का व्यू। पीछे भी आपको देखने को मिले कुछ इस तरीके के प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे मैं आगे चलता हूँ तो बड़े बड़े घर भी देखने को मिलते हैं गाइस। आप इस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि जो कि एकदम रेलवे ट्रैक के एकदम सटा हुआ बना है। तो ये लखनऊ में जो आपको पूरे ट्रैक देखने को मिलते हैं, ये अयोध्या में इस तरीके से जो है डेवलप नहीं हुए हैं, उसको डेवलप किया जा रहा है, लगभग इसी के लेवल का बनाया जाएगा। तो ट्रेनों में आने जाने में जो क्रॉसिंग पड़ जाती है और जो पैसेंजर होते हैं उनका टाइम लॉस होता है, उससे पैसेंजर को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि ये जब वाइडनिंग का काम हो जाएगा तो आमना सामना ट्रेनों का नहीं होगा और ज़्यादा क्रॉसिंग भी नहीं पड़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाएगी और जल्दी पैसेंजर जो है अपने यात्रा को कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ इस तरीके की सुविधा होने वाली है, तो आप लोग निश्चिंत हो जाएं और खुशखबरी की बात है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम हमारे उत्तर प्रदेश में रेल मंत्रालय के द्वारा हो रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार है और माननीय आदित्यनाथ योगी जी हमारे बड़े से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जो कि महंत हैं। तो उनके सरकार में और केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कार्यकाल में इस तरीके से वाइडनिंग का काम चल रहा है। आप पूरी अपडेट ले सकते हो। यहाँ पर जूम मैं करता हूँ, बड़े बड़े होटल आपको देखने को मिलेंगे गाइस। और जैसे मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो ये बड़े सा फ्लाईओवर मुझे देखने को मिलता है, आप भी देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। कुछ इस तरीके से हमारा अयोध्या भी डेवलप हो रहा है। और इसके बगल ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे मैं आगे चलता हूँ तो ये बड़ा सा हब आपको देखने को मिलता है, इसमें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनकी साफ़ सफाई होती है, ट्रेनों का इंजन का गाइस आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिले, इसी के अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसके बाद आगे जाती हैं तो गाड़ियाँ यहाँ पर भी नीट एंड क्लीन होती हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर नीट एंड क्लीन होती हैं गाड़ियाँ, और यहाँ से होकर के इस तरीके से चली जाती हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। इस तरीके से आप गाइस देख सकते हो। और लगभग तो गाइज इस तरीके से मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, शंभो।